हाय दोस्तों, 26 मई 2019 है, संडे का दिन है और आपके लिए अपडेट लेके आया था पीसी ज्वेलर्स पे। पीसी ज्वेलर्स जो क्लोज हुआ 24 तारीख 104.40 रुपये पे हुआ है, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ दिखता है और ये एक ट्रेडर के लिए है। ये वापस ऊपर नीचे करता रहेगा, इसको एक सपोर्ट, इसको अच्छा सपोर्ट, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट इसको 87 के आसपास है, शॉर्ट टर्म में भी इसको 98 के आसपास सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट को आप लेते हुए चाहें तो लॉन्ग कर सकते हैं 120, और 120 क्रॉस करता है तो वहाँ से आपको 135-150 की ओर जाता हुआ दिख सकता है। ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन डिलीवरी परसेंटेज से भी मुझे लगता है कि अब जो फॉल इसकी होनी थी वो हो चुकी है। तो अगर ये आपको वापस ये नीचे की ओर जब मिले तो आप धीरे धीरे करके इसको एक्वायर करें। ये इस रेंज में अभी टाइम बिताएगा, ऐसा नहीं कि इस रेंज से कोई बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये अभी 98 to 120-130 के रेंज में ये घूमता रहेगा। वापस ही एक साइड ले रहा है, अप साइड ले रहा है और हो सकता है कि आपको वापस 120 की ओर जाते हुए अभी शॉर्ट टर्म में दिखे आपको। तो पीसी ज्वेलर्स पे अगर कोई बहुत अच्छा स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक कहते हैं पेनी स्टॉक के रूप में आप इसमें इसको डील कर सकते हैं। ये बहुत ऊपर से फॉल हुआ है, 600 रुपये से के ऊपर से फॉल हुआ है, तो ये बहुत अच्छा फॉल है। लेकिन धीरे धीरे अब इलेक्शन का बुखार वगैरह सब खत्म हो चुका है, मार्केट में जो बहुत सारा अप्स डाउन देखने को मिला, मार्केट वापस अपने नॉर्मल की तरह चलना चाहिए, चलेगा तो अब इसमें भी थोड़ी मोड़ी अप्स डाउन आएंगी तो देखते हैं इसमें। तो एक अभी रिसेंटली पीसी ज्वेलर्स में लगता है कि एक अपसाइड ले सकता है, लेकिन इसको 120 के पास अच्छा खासा रेसिस्टेंस है। 24 मई को जो क्लोज हुआ 104.40 पे क्लोज हुआ है और 77% इसका सेंटीमेंट है। बाइंग डिलीवरी वापस इसको 10 से 11% है, कोई इसमें बाइंग डिलीवरी बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है। प्राइस टू बिग वैल्यू 1% है और अगर हम इसको डेरिवेटिव पे भी जा करके देखें तो यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट -2% है, तो कोई लॉन्ग जो है लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर रहा है। जो भी अपने लॉन्ग पोजीशन लिए प्रॉफिट बुकिंग करके, हो सकता है कि यहाँ पे बाहर निकल रहा हूँ, लॉन्ग पोजीशन को अनवाइंड कर रहा है। लेकिन हो सकता है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको वापस इसमें 120 की ओर जाता हुआ आपको दिखे, तो बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है। और अगर डिलीवरी की बात करें तो ये कंटिन्यूस वही अपने 1,21,16,000 का ट्रेड करता है और 1,13,39,896 का डिलीवरी ले रहा है, तो कोई हो सकता है 8 से 10% में धीरे 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 कोई करके डिलीवरी भी उसमें धीरे धीरे बना के पोजीशन बना के रख रहा हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा आपको हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बिक चुका है, फाइनेंशियली ख़राब हो चुका है, सेल्स ग्रोथ है ही और आएगा ही, तो ख़राब तो मुझे नहीं दिखता है अगर इस रेट पे। और अगर वापस नीचे के रेट पे मिलता है तो वहाँ पे ब्रेक पार कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इसमें एक चीज़ देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसको जो करंट चल रहा है 104 रुपये, तो 100 रुपये पर इसको अच्छा खासा सपोर्ट है, 1,79,000 का आप देखेंगे डेरिवेटिव में पुट की और पोजीशन है। ये एक्सपायरी हम जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं 30 मई का, ये पुट है, इधर कॉल है, तो 100 रुपये आसपास आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पुट साइड में आपको दिख रहा होगा सपोर्ट है 1,79,000 का, और ये टूटता है तो फिर 90 के आसपास इसको 825 का सपोर्ट है। तो नीचे की ओर तो ये सपोर्ट है, ऊपर की ओर 120 में 13 लाख का रेसिस्टेंस और 110 पे 13,26,000 का, तो 13,26,000 से आप देखेंगे 110 से अनवाइंड हो रहा पोजीशन, कुछ ना कुछ ऊपर की ओर 115 की ओर जाते हुए आपको दिख रहा है और 120 में एडिशन भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर की ओर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। और IB भी देखेंगे तो यहाँ पे रिचेबल दिख रहा है, 80 बिलो 100 है, बट यहाँ पे IB जो है अबव 100 है, ये ज़्यादा वोलेटाइल दिखता है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखेंगे हो सकता है, इसके चार्ट को अगर देखें तो 98 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें और ये वापस अपने 110 की ओर जाता हुआ दिखेगा, हो सकता है और दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इसके जो पैटर्न है ये डब्लू पैटर्न भी देखेंगे इसको, तो यहाँ से अपसाइड ही लेगा इसको, यहाँ से इसको अप की ओर, क्योंकि ये वापस, लेकिन यहाँ पे जब ये 110 क्रॉस करेगा तो नेक्स्ट लेवल आपको यहाँ पे 116-120 का आपको देखने को मिल सकता है और फिर वहाँ से ये ऊपर की ओर जाता हुआ। अभी ये आपको शॉर्ट टर्म में देखें तो ये यहाँ से आपको अभी वापस ये यहाँ से फॉल करते हुए ऊपर की ओर उठेगा और 110 तक जाना चाहिए। अभी जो इसका CMP चल रहा है वो चल रहा है 104 रुपये। इसे अगर लॉन्ग टर्म पोजीशन से बोलें 98 का सपोर्ट जरूर रखें और ये पहला टारगेट जो है 118, यहाँ पे अगर मूविंग एवरेज वीकली बेसिस पे देखें 118 के बाद अगर ये क्रॉस करता है तो 144-158 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है।
इसमें वॉल्यूम पिछले ज्वेलर्स पे बहुत अच्छा नहीं है, बहुत दिन से ये गिरा हुआ स्टॉक है। टाइम लेगा ये उठने में, लेकिन ये उठेगा जरूर और भागेगा भी बहुत जोर से। तो आपको अगर ये लोअर लेवल पे मिलता है तो आप इस पे हो सकता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट से एक्विजिशन कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पीसी ज्वेलर्स के लिए एक बाइंग रिकमेंडेशन हो सकती है, स्टॉप लॉस है 98 का, 98 के स्टॉप लॉस से आप चाहें तो इसमें एक बाइंग फॉर्मेशन बना सकते हैं ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो हैं इसमें रह सकते हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं और इसमें वॉच रख सकते हैं। अगर ये नीचे की ओर मिलता है तो आप ये मान के चलें जो रेंज इसने बनाया हुआ अभी 87 to 120, ये रेंज को जिधर तोड़ेगा उस साइड में आपको नीचे की ओर दिखेगा। हो सकता है ये कुछ दिन तक रेंज बाउंड भी रहे 87 to 120, ये भी हो सकता है। 120 तोड़ता है तो 150 और 87 तोड़ता है तो वापस 50 की ओर जाते हुए आपको दिखेगा। तो ये जरूर रेंज बाउंड को याद रखें, ध्यान में रखें। वॉल्यूम वेटेड एवरेज से देखेंगे तो वॉल्यूम वेटेड एवरेज क्या बोल रहा है कि 104.16 की जगह 104.40 पे क्लोजिंग दिया है, थोड़ा ही प्लस पॉइंट है लेकिन पॉजिटिव दिखता है। तो हो सकता है ये आपको वापस 110-115 की ओर जाते हुए आपको दिख सकता है। मेरी कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, जब भी आप बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके करें, क्योंकि वो आपके रिस्क एपेटाइट को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।